हेलो एवरीवन, दिस इज आर के वर्मा एंड यू आर वाचिंग नाउ मधुबन बीके इंग्लिश क्लासेस। आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 यानी कि ट्रिगोनोमेट्री के सवाल नंबर एक के चौथे सवाल को देखते हैं। क्या है? साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री है और माइनस कॉसेक 60 डिग्री बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, इसका मान निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे हम, यानी क्या करेंगे, साइन 30 इसका मान रखेंगे सबसे पहले 1/2। क्यों? क्योंकि मैंने मान पर पहले वीडियो बना के दिए हुए हैं। यदि मान आपको देखने हैं तो आप पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। इन्हीं मानों को हम डायरेक्ट यहाँ पुट करेंगे और सॉल्व करके आंसर लाएंगे। तो साइन 30 डिग्री का मान हमने रख दिया 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, ठीक है, और माइनस कॉसेक 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और उसी का व्युत्क्रम होता है कॉसेक 60 डिग्री, यानी कि 2/√3, ध्यान दीजिए। और फिर इन्हें हम बाय में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि सेक 30 डिग्री। तो सेक 30 का मान क्या होता है, जो कॉस 30 का होता है उन्हें हम फिर से व्युत्क्रम कर देंगे, यानी कि यही मान होगा 2/√3। क्यों? क्योंकि कॉस 30 का मान होता है √3/2। फिर देखिए कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 का मान होता है 1, क्योंकि टेन 45 और कॉट 45 दोनों का मान 1 होता है। आइए अब इन्हें हम हल करते हैं। कैसे हल होगा? इनका हम जोड़ घटाव बनाएंगे, भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव। बहुत ही सिंपल है, देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो हम एक देख सकते हैं, 2, 1 और √3, इसका हम LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 2√3, ठीक है। और यहाँ हम जब 2 से भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, बचेगा √3, तो यहाँ लिखेंगे √3। फिर प्लस 1 से भाग देंगे तो यहाँ पर पूरा का पूरा हो जाएगा 2√3। अब इससे भाग देंगे, ध्यान दीजिएगा, √3 से देंगे तो ये कट जाएगा, 2 बचेगा, और 2 से यहाँ गुना होगा तो बचेगा -4, ठीक है। और फिर हम नीचे देखते हैं क्या बचता है, इसका भी ऐसा ही होगा, 2√3। अब इन्हें जब हम देखते हैं, इससे भाग देते हैं तो ये जाता है और यहाँ गुना होगा तो हो जाएगा 4। फिर प्लस देखिए 2 से भाग देंगे तो ये बचेगा √3 × 1, दैट इज इक्वल टू √3। फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 1, कुछ नहीं तो यहाँ 1 दे सकते हैं, तो हो जाएगा 1 से हम भाग देंगे तो यह हो जाएगा 2√3, ठीक है। अब इन्हें क्या करेंगे हम, ये देखिए गौर से, ये भिन्न का भाग है तो इन्हें हम भिन्न के गुना में बदल सकते हैं, और आप यहाँ भी डायरेक्ट यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, जैसी इच्छा हो आप करके देख लें। इन्हें हम यहाँ कैंसिल कर देते हैं डायरेक्ट, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए बचता है √3 और 2√3। देखिए इन्हें हम जोड़ सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट जोड़ सकते हैं कि √3 + 2√3 हो जाएगा हमारा 3√3, यानी कि यहाँ हमें मिलेगा 3√3, और माइनस 4 है तो 4 लिख देंगे, ठीक है, बाय। देखिए 4 है तो रहने देंगे, +√3 और 2√3, ध्यान दीजिए यह भी जुड़कर हो जाएगा 4 + 3√3, ऐसा। अब इन्हें हम क्या करते हैं, देखिए इनका चेहरा मिलाने के लिए, एक जैसा करने के लिए इन्हें हम पलट के लिख देंगे। क्या लिख देंगे, देखिएगा 3√3 - 4, तो बाय में हम लिखेंगे 4 है इधर, उसको हम पलट देंगे, क्या बन जाएगा मेरा 3√3 + 4। अब देखिए इनका चेहरा एक जैसा दिखने लगा, बस चेहरा मिल गया, समझिए काम हो गया। अब क्या करेंगे, इनको हम रैशनलाइज करेंगे। चलिए अगले स्टेप में हम इन्हें रैशनलाइज करते हैं। क्या होगा, 3√3 - 4 / 3√3 + 4। अब इन्हें हम रैशनलाइज करने पर, यानी कि हर का परिमेयकरण करण करने पर, 9th क्लास में हमने पढ़ा था हर का परिमेयकरण कीजिए, तो यदि नीचे में हर में किसी परिमेय संख्या के हर में रूट आ जाए तो उन्हें हम उसका परिमेयकरण करते हैं। कैसे करते हैं, इसके विपरीत से गुना कर देते हैं, यानी कि
थ्री रूट थ्री माइनस फोर से गुना कर देंगे, थ्री रूट थ्री माइनस फोर, यहाँ प्लस रहे तो माइनस से गुना करते हैं और यहाँ माइनस रहे तो प्लस चिन्ह लेकर उसमें गुना करते हैं। अब जब यहाँ हम गुना करते हैं तो ऊपर भी यही होगा, थ्री रूट थ्री और माइनस फोर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ हो चुका है हमारा ए माइनस बी, ए माइनस बी ये ऐसा रूप है, ठीक है। तो इन्हें हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ है a प्लस बी और यहाँ है a माइनस बी। ध्यान दीजिए फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को यदि हम गुना करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि थ्री रूट थ्री माइनस फोर का होल स्क्वायर बाय, यहाँ क्या होगा a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि थ्री रूट थ्री का होल स्क्वायर और माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब हम इन्हें फॉर्मूला में तोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, इसी फॉर्मूला का हमने यहाँ यूज़ किया। देखिए इस रूप में था इसका हर का गुणनखंड, तो हमने इस रूप में ले आया ऐसे। अब इन्हें हम एक्सपेंड कर देंगे, ऑन एक्सपेंडिंग वी गेट, देखिए एक्सपेंड करने पर हम क्या पाते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तोड़ दीजिए इसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि थ्री रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू फॉर्मूला से ए यह होगा थ्री रूट थ्री ए और बी फिर यहाँ से और प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स फोर का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर मीन्स इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए, तीन का दो बार गुना होगा, तीन तीन नौ और नौ तीन हो जाएगा यहाँ हमारा सत्ताईस, ठीक है। माइनस चार का होल स्क्वायर हो जाएगा सोलह, ठीक। अब इन्हें हम हल करके अगले स्टेप में लिखते हैं, देखिए क्या होगा, यह भी जो है वह हमारा हो जाएगा, चूँकि थ्री रूट थ्री का होल स्क्वायर करेंगे तो तीन तीन नौ और इसका होल स्क्वायर तीन होगा, यह भी हो जाएगा हमारा सत्ताईस और माइनस, इन्हें देखिए क्या हो सकता है, चार तीन बारह, बारह दुना चौबीस, यह हो जाएगा हमारा चौबीस रूट थ्री, ठीक। और प्लस इसका भी हो जाएगा फोर का होल स्क्वायर सिक्सटीन कर दिए, चार चौक सोलह, ठीक है। सत्ताईस में सोलह जाएगा, बचेगा हमारा ग्यारह। अब इन्हें हम एक बार और हल कर देते हैं, क्या आता है देखिए, यह सोलह और सत्ताईस जोड़ने पर हमारा आएगा फोर्टी थ्री प्लस माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस कितना, ट्वेंटी फोर रूट थ्री यानी कि देंगे इसे ट्वेंटी फोर रूट थ्री बाय क्या लिखेंगे एलेवन, एलेवन बस यही होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। चलिए ऐसे सवालों को आप आसानी से हल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इन सवालों को रिवाइज कीजिए और आगे के वीडियोस को देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।